सिंगरौली के रहिला डाड़ में संचालित शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय में पदस्थ शिक्षक उपेंद्र कुमार द्विवेदी ने कुछ अलग करने की ठानी। शिक्षक के प्रयासों के चलते इस लॉकडाउन में भी विद्यार्थियों को शिक्षा देने का कार्य किया जा रहा है। शिक्षक मोहल्लों में जाकर पेड़ के नीचे बैठकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। रहिला डाड़ में संचालित शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय में पदस्थ शिक्षक उपेंद्र कुमार द्विवेदी ने पूरे लॉकडाउन के दौरान विद्यालय में अध्ययनरत छात्रों को उनके मोहल्ले में जाकर शिक्षा प्रदान की। बता दें कि उपेंद्र कुमार द्विवेदी आम के पेड़ के नीचे बैठकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। कोरोना से कैसे बचा जाए यह भी विद्यार्थियों को उनके द्वारा समझाया जा रहा है। गौरतलब है कि लॉकडाउन की वजह से विद्यालय बंद हैं। ये संक्रमण की वजह से विद्यालय बंद है और शासन के निर्देशानुसार अपना घर अपना विद्यालय के तहत हम लोग अपने अपने क्षेत्र में जा करके 3 शिक्षक हैं, सभी लोग अपने अपने एरिया को डिवाइड कर लिया हो। उस एरिया में आने वाले सभी बच्चों को, चाहे प्राथमिक हो चाहे माध्यमिक के बच्चों को, रिकवर करता हूँ और हर बच्चे के संपर्क में रहूं, ऐसा माहौल बना रहा हूं कि कभी इस जगह पर बैठेंगे तो कौन कौन बच्चे मिलेंगे, उस जगह पर बैठने पर हमारे लड़कों के संपर्क में रहता हूं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गाँव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।